वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर पिपरी थाना से कुछ ही दूरी पर बढ़ते सड़क दुर्घटना स्थल पर सड़क दुर्घटना रोकथाम के लिए सड़क किनारे गिरे राख को महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए नगर पंचायत पिपरी के जेसीबी के द्वारा पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए सड़क के किनारे राख को गिराकर फैला दिया है, जिससे सड़क पर चलने वाले पैदल राहगीरों एवं स्कूली बच्चों को सड़क दुर्घटना का भय सता रहा है। पैदल चलने वाले यात्रियों को राख से उत्पन्न धूल के कारण सड़क पर चलने वाली वाहन दिखाई नहीं दे रही है, जिससे वाहन की चपेट में आने की संभावना है। दो पहिया वाहन चालकों को बाइक चलाने में असुविधा हो रही है। इस संबंध में पत्रकार मनोज सिंह राणा ने वन विभाग अधिकारी मनमोहन मिश्रा जी से इस संबंध में बातचीत की तो उन्होंने कहा, इस संबंध की जानकारी मुझे नहीं है। उप जिलाधिकारी अधिकारी महोदय जी से भी फोन द्वारा पूछा गया तो उन्होंने भी इस पर बात करते हुए कहा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारी से जब इस संबंध में बातचीत किया गया तो उन्होंने कहा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, परंतु ये गलत कार्य किया गया है, इसकी मैं जांच कराता हूं। सभी आला अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। फिर किसके आदेश से पूर्व चेयरमैन दिग्विजय सिंह ने सड़क पर राख फैलाने का कार्य किया। फैलाए हुए राख के कारण यदि कोई बड़ी सड़क दुर्घटना घटित होती है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? किसके आदेश से नगर पंचायत पिपरी की जेसीबी मशीन सड़क पर राख फैलाने आई थी? खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम अमरकांत त्रिपाठी है। अमर जी, ये जो सड़क पर राख गिरा दी गई है नगर पंचायत द्वारा जी, क्या इससे एक्सीडेंट बढ़ सकता है? इससे एक्सीडेंट बहुतायत में हो सकता है, क्योंकि जब गाड़ियां आती जाती हैं तो ये एक धूल का गुबार उठता है, जिससे कि आमने सामने की गाड़ियां दिखाई भी नहीं पड़ती। अगर ये राख गिराने के बाद, ये पूर्व चेयरमैन है, शिवरात्रि से एक दिन पहले राख गिरा दी गई है, क्या संदेश नगर में देना चाह रहे थे? सर जी, जहाँ तक हमें समझ में आता है, ये शायद उन्होंने इसको ढकने के लिए, जो मिट्टी जो यहाँ उबड़ खाबड़ जमीन थी, इसको ढकने के उद्देश्य से इसको डाला है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि नहीं, ये जो क्या कहते हैं राखड़ गिर रहा है, ये धूल का गुबार भी बन जाएगा, इससे एक्सीडेंट बढ़ सकती है। एक्सीडेंट बढ़ सकता है। ठीक, ओके। आप कहाँ रहते हैं? ये नगर पंचायत द्वारा ये राख डाली गई है सड़क के साइड में, क्या इससे एक्सीडेंट बढ़ सकता है? नहीं, उसका दाम आप लोग को आने जाने में दिक्कत हो रही, नहीं हो रही है? पड़ेगा, पड़े दिक्कत हो रही है। कैसे हो रही है? उड़ता दाम पड़ता है, पूरा पड़ रहा है।